हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। ये आज से 200 साल पुराना घर जी है। सूफी लोग जो थे, अरबी लोग पहले पहाड़ों में ऐसे रहते थे। ये कमरा है पत्थरों से बनाया हुआ, और ये सामने छोटा सा सेहन बनाया हुआ है बैठने के लिए। ये पहाड़ है। वो देखो, ये देखो, ये अंदर से तकरीबन 4-5 आदमी सो सकता है, इतना जगह है अंदर। ये जो एरिया है, ये फिगरा है, सऊदी अरेबिया का शहर है फिगरा, अल फिगरा, मदीना मदीना के नज़दीक। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होती है रोज़ाना। कल तो थोड़ा ज़्यादा बारिश भी हुई। ये मेरा एक दोस्त है सिकंदर, हम थोड़ा इधर विजिट करने आए थे। और ये एक और इधर भी कमरा है, एक वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। खतरा है भाई इधर बहुत। एक ये इधर कमरा है, ये देखो, ये भी पुराने 200 300 400 साल, पता नहीं कितना पुराने हैं। सऊदी लोग पहले ऐसे कमरों में रहते थे इधर। ये पत्थरों से बनाए हुए हैं। अभी तो इधर बहुत कचरा पड़ा है अंदर। ये इन लोगों का इधर होता था सहन बैठने के लिए। ये पहाड़ों के बीच है, ये अलफिगरा है, फिगरा सो ये मदीना के पास है। छोटा सा एरिया है ये। और ये हमारे कफील का घर है सामने। बारिश हुई है अभी, अस्सलाम वालेकुम। ये बारिश हुई और बारिश के बाद देखो अभी पहाड़ों के ऊपर कैसा वाइट वाइट सा धुआं जैसा निकल रहा है। इंशाल्लाह आज हम लोग चले जाएंगे जम्बो, बहुत अच्छा विजिट रहा इधर का। ये पहाड़ों के ऊपर खजूरें लगाई हुई हैं ना, ऐसे पहाड़ों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं इधर अल्फीग्रा में। हाँ शाहद भाई, ये देख लो पहाड़, वो आगे जा रही है कफील की गाड़ी। ऐसे पहाड़ हैं इधर देखो। मौसम इंजॉय करो, बहुत अच्छा मौसम है। बहुत ख़तरनाक डेंजरस एरिया है यार, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये इधर मस्जिद है माशाल्लाह, और ये देख लो इधर पहाड़। गाड़ी चलती नहीं है यार, बहुत मुश्किल से, बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस एरिया है। अभी ये 20 किलोमीटर ऐसे ही जाना है। ये मदीना के पास एक छोटा सा एरिया है, विजिटिंग एरिया है ये पहाड़ों के ऊपर। ये इसका नाम है अलफिगरा, अलफिगरा है ये। बहुत अच्छा एरिया है यार, ये लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो बहुत ऐसे अभी तो कुछ नहीं है, ये आगे बहुत ख़तरनाक रास्ता आता है। ऐसे पहाड़ हैं इधर देखो। अभी तो हम पहाड़ों के फुल लास्ट पे हैं, ऊपर हैं, फुल ऊपर। अभी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के इर्द गिर्द घूम के हम लोग नीचे उतरना है। वो आगे कफील की गाड़ी जा रही है लैंड क्रूजर। अभी देखो आगे सड़क कैसी है, कितनी ऊंची है, ये बहुत मुश्किल से है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी ख़तरनाक रोड है यार इधर। अभी दोबारा बना रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई साहब। ये अलफिगरा है यार, ये इधर बहुत डेंजरस रास्ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, बहुत डेंजरस रास्ते आते हैं इधर। अरे गाड़ी तकरीबन तकरीबन फुल एक्सीलेट देना पड़ता है, तो फिर भी गाड़ी बहुत मुश्किल से 20 के ऊपर जाती है। अभी तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं पहाड़ से, लेकिन फिर भी ये देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है। आगे कुछ नज़र नहीं आता कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। देखो वो आगे मेरे कफील की गाड़ी जा रही है, और देखो पहाड़ से ऊपर नीचे उतर रहे हैं हम लोग। बहुत डेंजरस एरिया है। हम लोग इधर 4-5 दिन इधर रुके थे, अच्छा एंजॉय किया। रोज़ाना बारिश होती है, अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है, किसी टाइम भी बारिश आ सकती है, किसी टाइम भी। तो ये देखो वो कैसे घूम के जाना पड़ता है।
जा रहे हैं, तरीक मदीना पकड़ेंगे, इधर से रोड मदीना है वो पकड़ेंगे। तो रोड मदीना पकड़ के ये देख लो इधर कैसा एरिया है, वो आगे गाड़ी जा रही है, वो मेरे कफील की गाड़ी है। और ये रास्ता देख लो कैसा है, फिर कभी मुलाकात होगी। अभी तो फिलहाल मेरे को ड्राइव करना है यार, बहुत मुश्किल है गाड़ी एक हाथ से चलाना। देखो भाई हम लास्ट पे थे पहाड़ों के, अभी तो तकरीबन थोड़ा नीचे आ गए हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता घूम के नीचे जा रहे हैं। वो मेरे कपिल की गाड़ी है, बहुत डेंजरस एरिया है यार, बहुत कान कान हर चीज़ बंद हुई है इधर। अच्छा दिन गुजरा, तीन चार चार दिन हम लोग इधर रहे हैं, चार पांच दिन बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना पड़ता है। अभी इधर देखना बहुत ख़तरनाक रोड है, बहुत ख़तरनाक, आगे से पता ही नहीं लग रहा कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। ये देखो कैसा कैसा है, बहुत ख़तरनाक मोड़ है। और आगे देखो वो उस सड़क पर जाना है हम लोग, इस सड़क पे वो देखो उधर जा रहा है। इंशाल्लाह आपको मैं पूरा विजिट कराऊंगा इधर का। मेरा कपिल देख रहा था मेरे को, तो इसलिए मैं मोबाइल नीचे कर लिया। तो अभी दिखाता हूँ आपको, इधर का व्यू देखो, इधर का व्यू देखो आप लोग, बहुत अच्छा व्यू है इधर। जो सऊदीया में रहते हैं वो इधर का विज़िट ज़रूर करें, अल्फिग्रा का। ये देखो ऐसे गाड़ी आती है आगे से, जो भी इधर सऊदीया में रहते हैं लोग, इधर अल्फिग्रा है मदीना के पास, इधर का ओहो इधर का विज़िट लाजमी करें यहाँ, बहुत इंजॉय होता है। इधर रोज़ाना बारिश होती है, ज़्याला बारी होती है। वो देखो नीचे सड़क नज़र आ रही है ना, हम लोग को सड़क पर जाना है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जी भैया ये देखो, ये फिग्रा है, सऊदीया का शहर मदीना के पास है, बहुत ठंडा इलाका है इधर। पुराने वक्तों में इधर लोग रहते थे ऐसी झोंपड़ियों में, ऐसे घर बनाए हुए थे, जैसा ये एक मकान है, कमरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इधर जिन्नात वगैरह रहते होंगे पता नहीं, लेकिन अभी इसमें कोई नहीं रहता। ये देखो ऐसे घर थे, ये अंदर कमरा है, यानी चार पांच आदमी सो सकते हैं अंदर आराम से। बहुत अच्छा इलाका है ये, इधर पहाड़ ही पहाड़ पूरे। और ये मेरा एक दोस्त है सिकंदर, ये डेरा गाजी खान से है।